दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर लगभग सभी धर्मों के श्रद्धालु आते हैं। शनिवार को अचानक निजामुद्दीन इलाके में बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने निजामुद्दीन इलाके में बुलडोजर चलाकर एक मजार के विवादित ढांचे को ढहा दिया। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक यह मजार अतिक्रमण करके फुटपाथ पर बनाई गई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह मजार 500 साल पुरानी थी और इसी जगह पर मौजूद थी। हालांकि कार्रवाई के बाद मजार के मलबे को वहां से हटा दिया गया है। इस कार्रवाई को दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। मथुरा रोड की उल्टी दिशा में निजामुद्दीन इलाके में रोड से सटकर बनाई गई इस मजार को हटाने के लिए जब बुलडोजर पहुंचा, तो लोग इकट्ठा हो गए। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ मौजूद रही। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण करके बनाए गए इस ढांचे को ढहाने के बाद मलबे को भी हटा लिया गया है। मजार हटाए जाने के बारे में इसके केयर टेकर ने कहा, यह मजार लगभग 500 साल पुरानी थी। तब न तो यहाँ सड़क थी और न ही फुटपाथ। पिछले दिनों एसडीएम से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ हिस्सा हटा लो, हमने 13 मीटर जगह खाली कर दी, फिर भी कार्रवाई की गई। यहाँ टिन शेड हटाया गया, दो कमरे और उनसे लगी दीवारें तोड़ दी गई। बता दे कि निजामुद्दीन का इलाका काफी संकरा और भीड़ भाड़ वाला है। काफी पुराना इलाका होने की वजह से यहाँ कई तरह के निर्माण ऐसे हैं जो सैकड़ों सालों से यही मौजूद हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।